गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एपीएन ऑनलाइन क्लास। मैं सर संदीप कुमार, योर कंप्यूटर टीचर। लेट्स स्टार्ट टुडे कंप्यूटर साइंस क्लास। लास्ट क्लास वी हैव परफॉर्म सम प्रैक्टिकल्स ऑन डेटा फ्रेम यूजिंग एडवांस ऑपरेशंस एंड मैक्सिमम मिनिमम काउंट, एंड आफ्टर दैट वी हैव कैलकुलेट द मीन। टुडे वी स्टार्ट योर प्रैक्टिकल सेशन। फ्रॉम द टॉपिक कैलकुलेटिंग मीडियन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडवांस ऑपरेशन ऑफ डेटा फ्रेम के हमने स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम एवरेज और काउंट फंक्शन को कैलकुलेट किया था। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मीन से आगे, हम लोग स्टडी करेंगे मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, वेरियंस, हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक केस स्टडी के लिए डेटा फ्रेम ली थी, जो हमारी डेटा फ्रेम थी मार्क्स यूटी। इसको मार्क्स यूटी हमारी क्या एक सीरीज है, सीरीज को हम लोगों ने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया था। तो हमने लिखा था TF इक्वल टू हमने पेंडास को इंपोर्ट नहीं किया, एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट पेंडास SPD। पेंडास लैंग्वेज को हम लोग पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, अपने जो सीरीज है मार्क्स यूटी उसको क्रिएट करेंगे। फिर इस मार्क्स यूटी सीरीज को हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद में हम इसके पर एडवांस ऑपरेशन उनको परफॉर्म करते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था कि हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम काउंट फंक्शन को कैलकुलेट किया था इन रो एंड कॉलम में, डेटा फ्रेम की रो एंड कॉलम पे उनको अप्लाई किया था। साथ में हम लोग किसी एक्स्ट्रा कंडीशन के आधार पे हम लोगों ने क्या किया था, डेटा फ्रेम हमने क्रिएट की थी। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी मार्क्स यूपी जो सीरीज है, इस मार्क्स यूपी सीरीज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सीरीज को क्रिएट करना होगा। तो सीरीज क्रिएट करने का वही प्रोसीजर होगा, मार्क्स यूपी इक्वल टू फर्स्ट कॉलम का नेम 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 की वैल्यूज, भी सेकंड कॉलम हमारा था यूटी नीचे, फिर उसकी वैल्यूज हमने पुटअप करवा दी। थर्ड हमारे पास में मैथ्स है, इसकी वैल्यू हमने पुटअप करवा दी। फोर्थ है हमारे पास साइंस, फिर SST हिंदी और इंग्लिश। तो ये हमारी क्या हो गई, एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। इस डिक्शनरी को हमने क्या करना है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है। तो इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं DF इक्वल टू BD डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में D कैपिटल आएगा, F कैपिटल आएगा, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमारी डिक्शनरी का नेम है मार्क्स यूटी। इसको क्या करें, इनसाइड द ब्रैकेट पैरामीटर ग्रुप में पास करवा देंगे। तो हमारी क्या हो गई, यहाँ से डेटा फ्रेम क्रिएट हो गई, दैट इज DF। अब इस DF डेटा फ्रेम को हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो इसके लिए लिखा हमने प्रिंट DF, एंटर। तो हमारी क्या होगी, DF डेटा फ्रेम में वो प्रिंट होगी। अब हम क्या करते हैं, इस DF डेटा फ्रेम पे हम एडवांस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में किए थे। कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम द मीन। मीन हमारा लास्ट टॉपिक था कल। तो डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम का मीन फाइंड आउट करने के लिए हम काम करते हैं डेटा फ्रेम डॉट मीन फंक्शन। मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू ऑफ ईच कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम। अगर हम इसको कॉलम पे अप्लाई करेंगे तो डेटा फ्रेम के हर कॉलम की एवरेज वैल्यू होगी। अगर हम इसको रो पे अप्लाई करेंगे तो डेटा फ्रेम की ईच रो की क्या होगी, एवरेज वैल्यू होगी। तो सबसे पहले करते हैं कैलकुलेट मीन। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए लिखा प्रिंट DF डॉट मीन। हमने क्या किया, DF डॉट मीन फंक्शन को अप्लाई करके डेटा फ्रेम के इस कॉलम का हमने मीन फाइंड आउट कर दिया। तो हमने DF डॉट मीन में हमने कोई भी पैरामीटर यानी x इक्वल टू 0 या 1 पास नहीं किया है। तो बाय डिफॉल्ट केस क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा, ये कॉलम पे अप्लाई होगा। अगर आपको डेटा फ्रेम की ईच रो का अगर आपको मीन फाइंड आउट करना है तो आपको पैरामीटर के रूप में x इक्वल टू 1 है वो पास करना होगा। तो हम क्या करते हैं, रो पे अप्लाई करते हैं। इसलिए हम लिखेंगे प्रिंट DF डॉट मीन, इनसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा एक्सिस इक्वल टू 1, पैरामीटर हमने पास कर दिया। तो हमें क्या होगा, डेटा फ्रेम की ईच रो का मीन फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था फंक्शन मीन। उसके बाद में हमारे पास एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम गिवन है। एट द स्टेटमेंट टू गेट एन एवरेज ऑफ मार्क्स डिफाइंड बाय रमन इन ऑल यूनिट टेस्ट, यानी रमन के द्वारा सभी यूनिट टेस्ट में अचीव किए गए मार्क्स का हमें क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स यानी उसका मीन फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारी ओरिजिनल डेटा फ्रेम है DF, उसमें से ओनली रमन के डेटा को फिल्टर करके नई डेटा फ्रेम क्रिएट करनी होगी। तो इसके लिए हम लोग नई डेटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं DF रमन इक्वल टू DF, इनसाइड द ब्रैकेट हम लिखते हैं DF डॉट नेम इक्वल टू रमन। DF रमन इक्वल टू DF, इनसाइड द ब्रैकेट DF डॉट नेम इक्वल टू रमन।
ब्रैकेट क्लॉज और एंटर। जैसे एंटर हम लगाएंगे दिस वेट हमें लिखना है डी एफ रमन इक्वल टू डी एफ इनसाइड द ब्रैकेट हम लिखेंगे डी एफ डॉट नेम इक्वल टू रमन। यहां से क्या होंगे रमन के डेटा है वो नई डेटा फ्रेम है वो डीएफ डेटा डीएफ रमन में क्या हो जाएंगे ट्रांसफर हो जाएंगे। जस्ट वेट सॉरी हमें क्या होगा इंडेक्सिंग टेक्निक लगानी होगी यहाँ पे तो हम लिखेंगे डीएफ रमन इक्वल टू डीएफ सॉरी इक्वल डीएफ रमन इक्वल टू एलओसी और यहाँ पे लिखेंगे डी एफ डॉट नेम इक्वल टू रमन। जस्ट वेट वेट dfrmn equal to df.loc df.name equal to Raman। हम क्या करेंगे यहाँ से रमन के जितने भी डेटा हैं उनको df रमन में हम क्या करेंगे ट्रांसफर करवा देंगे। जैसे df रमन में ट्रांसफर होगा डेटा हम क्या कहते हैं df रमन को प्रिंट करवाते हैं तो इसलिए स्टेटमेंट लिखते हैं प्रिंट df रमन। यहाँ से हमारे क्या होगा रमन के सभी डेटा फिल्टर हो गए। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है क्वेश्चन में कहा गया राइट द स्टेटमेंट टू गेट एन एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय रमन इन ऑल द यूनिट टेस्ट एंड रमन के द्वारा सभी यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं उन मार्क्स का हमें एवरेज यानी उनका मीन फाइंड आउट करना है। तो हमने रमन के सभी यूनिट टेस्ट के डेटा को फिल्टर कर लिए फर्स्ट यूनिट टेस्ट सेकंड यूनिट टेस्ट और थर्ड यूनिट टेस्ट के डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं जो डीएफ रमन है उस डीएफ रमन पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं मीन फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो इसलिए हम लिखते हैं प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट डीएफ रमन डॉट मीन इससे हम मीन फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या होगी रमन के सभी यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स अच्छे किए गए उनका एवरेज हमें फाइंड आउट हो जाएगा। यूटी का एवरेज आएगा 2.00 मैथ्स का एवरेज आ रहा है 19.00 साइंस का एवरेज आ रहा है 20.00 एसएसटी का एवरेज आ रहा है 16.66 हिंदी का एवरेज आ रहा है 22.00 इंग्लिश का एवरेज आ रहा है 22.66। ओके ये तो था हमारा एवरेज कैलकुलेट करना। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं कैलकुलेटिंग मीडियन। डेटा फ्रेम डॉट मीडियन फंक्शन विल डिस्प्ले द मीडियन ऑफ डेटा फ्रेम यानी डेटा फ्रेम डॉट मीडियन फंक्शन होगा वो क्या करेगा डेटा फ्रेम का मीडियन है उसको डिस्प्ले करेगा। मीडियन क्या होती है इज द मिडल वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम यानी डेटा फ्रेम में हर कॉलम या रो की क्या होगी मिडल वैल्यू होगी। उस मिडल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम काम लेते हैं मीडियन फंक्शन। तो मीडियन फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम लिखेंगे डी एफ डॉट मीडियन डेटा फ्रेम डॉट मीडियन फंक्शन को यूज में लेते हैं डेटा फ्रेम का मीडियन फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले हमारे डेटा फ्रेम है डी एफ तो डी एफ डेटा फ्रेम का मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट डी एफ डॉट मीडियन ब्रैकेट अप्लाई करते हैं तो हमें क्या होगा डेटा फ्रेम का मीडियन यानी मिडिल वैल्यू फाइंड आउट हो गई। हमारे जो कंप्लीट डेटा फ्रेम थी डी एफ उसमें हम लोगों ने क्या क्या मीडियन कैलकुलेट किया मीडियन में हमने पैरामीटर के रूप में कोई भी एक्सिस इक्वल टू जीरो वन नहीं लिखा है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट किस पे अप्लाई हुआ है कॉलम पे अप्लाई हुआ है। तो यूटी कॉलम का मीडियन है वो 2.0 है मैथ्स कॉलम का मीडियन है 20.5 है साइंस कॉलम का मीडियन है वो 19.5 है एसएसटी कॉलम का मीडियन है वो 20.0 है हिंदी कॉलम का मीडियन है वो 22.5 और इंग्लिश कॉलम का मीडियन 21.5 है। अब देखो मैंने आपको ये बोला था कि मीडियन होती है वो मिडिल वैल्यू होती है तो ये तो मिडिल वैल्यू शो नहीं हो रही। देखो मिडिल वैल्यू क्या होगी इस डेटा फ्रेम की मिडिल वैल्यू हम निकालेंगे तो डेटा फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ रोज है 6 तो 6 रोज का मतलब क्या हो गया 5 रोज हैं 5 तक हो गए और फिर उसके बाद में 5 रोज हम अलग से रख देंगे तो 2 रोज हमारे पास क्या होंगे मिडिल वैल्यूज में आएंगे। रो नंबर 6 और 7 है वो हमारी क्या है मिडिल रोज आ रही है मिडिल वैल्यूज आ रही है तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे यहाँ से एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों का एवरेज होगा वो क्या होगा इसकी मिडिल वैल्यू होगी। तो मीडियन अगर आपको अगर नंबर ऑफ रोज सम है नंबर ऑफ रोज अगर किसी टेबल में सम होंगे तो उनका मीडियन होगा उनकी मिडिल टू रोज का एवरेज
और अगर नंबर ऑफ रोज इवन होगी तो उनकी मिडिल रो वैल्यू होगी वो सिंगल रो आएगी, वहां से आप डायरेक्टली उसकी मिडिल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, कॉलम का मीडियन फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से अगर आपको रो का मीडियन फाइंड आउट करना हो तो हम लिखेंगे प्रिंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट df डॉट मीडियन इनसाइड द ब्रैकेट पैरामीटर लिखेंगे एक्सिस इक्वल टू वन पैरामीटर हम पास करवाएंगे तो हमें क्या होगा ईच रो का मीडियन वैल्यू एंड मिडिल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा मीडियन। अब मीडियन पे बेस्ड हमारे पास में एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट द मीडियन मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इन यूनिट टेस्ट फर्स्ट। इसने कहा राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट द मीडियन मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इन यूनिट टेस्ट फर्स्ट, यानी यूनिट टेस्ट फर्स्ट में जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें जो भी मार्क्स आए स्टूडेंट्स के, उन मार्क्स का हमें क्या निकालना है, मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो हमारी ओरिजिनल डेटा फ्रेम है डीएफ, उसमें से मैथ्स के डेटा को फिल्टर करके हमें एक नई डेटा फ्रेम बनानी होती है। इसके लिए हम एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं डीएफ मैथ्स इक्वल टू डीएफ, इंडेक्सिंग टेक्निक को अप्लाई करते हैं। डायरेक्टली हमें क्या करना है, मैथ्स कॉलम के डेटा निकालने, तो इंडेक्सिंग टेक्निक हम अप्लाई करते हैं डीएफ मैथ्स। तो यहाँ से क्या होंगे, जो मैथ्स के सभी डेटा है वो किसमें ट्रांसफर हो गए, डीएफ मैथ्स में। अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, तो इसको लिखेंगे प्रिंट डीएफ मैथ्स। जब हम मैथ्स को प्रिंट कराएंगे तो सभी यूनिट टेस्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट टेस्ट में हर स्टूडेंट्स के मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो मार्क्स के हमें पास आउटपुट में शो हो रहे हैं, डीएफ मैथ्स में डेटा फ्रेम में ट्रांसफर हो गए। अब हमें क्या करना है, इसने कहा है कि राइट द स्टेटमेंट टू प्रिंट द मीडियन मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट फर्स्ट। अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ मैथ्स के मार्क्स हैं उनको फिल्टर किया। अब हमें क्या करना है, इन मैथ्स के मार्क्स में से यूनिट टेस्ट फर्स्ट के मार्क्स को फिल्टर करना है, यूनिट टेस्ट फर्स्ट के मार्क्स को फिल्टर करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डी एफ मैथ्स वन, एक नई डेटा फ्रेम बनाते हैं डी एफ मैथ्स वन इक्वल टू डी एफ मैथ्स, इंडेक्सिंग टेक्निक को अप्लाई करते हैं, लिखा डी एफ डॉट यूटी इक्वल टू वन, एंड यहां से हम यूटी इक्वल टू वन, यानी हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, जो डी एफ मैथ्स वन है जो मैथ्स के डेटा को कंटेन कर रही है उस डी एफ मैथ्स में से हम यूनिट टेस्ट फर्स्ट के डेटा है उनको फिल्टर कर लेते हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं। तो लिखेंगे प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट मैंने लिखा डी एफ मैथ्स, यहाँ से क्या होगा डी एफ मैथ्स वन, यहाँ से हमारे पास क्या ओनली यूनिट टेस्ट फर्स्ट के डेटा है वो आउटपुट में शो हो गए। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दो कंडीशन दी गई है, पहली कंडीशन ने कहा है कि मैथ सब्जेक्ट के आपको डेटा फिल्टर करने हैं, तो इसके लिए आपने पहले डेटा फ्रेम बना ली डी एफ मैथ्स, इंडेक्सिंग टेक्निक को अप्लाई करके डायरेक्टली आपने डी एफ मैथ्स डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया। फिर इसने सेकेंड कंडीशन कहा है कि मैथ सब्जेक्ट में ही भी आपको यूनिट टेस्ट फर्स्ट के डेटा का क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। यानी मैथ्स के डेटा आपके पास अवेलेबल है डी एफ मैथ्स में, अब उनमें से आपको मैथ्स यूनिट टेस्ट फर्स्ट के डेटा को फिल्टर करना है, तो इसके लिए आपने एक नई डेटा फ्रेम बना ली डी एफ मैथ्स वन। अब क्या करना है, डी एफ मैथ्स वन जो डेटा फ्रेम है वो क्या करिए, मैथ सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट फर्स्ट के मार्क्स को कंटेन करिए, यानी फर्स्ट यूनिट टेस्ट के मैथ सब्जेक्ट के मार्क्स को कंटेन कर रही है, इसमें से आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो इसके लिए मीडियन अप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे प्रिंट इन साइड द ब्रैकेट डी एफ मैथ्स वन डॉट मीडियन, यहाँ से हम क्या करेंगे इसमें मीडियन फंक्शन को अप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास में इसकी जो मीडियन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 21.0। ओके स्टूडेंट, तो इसकी मीडियन वैल्यू हमारे पास आएगी 21.0। ये हो गया हमारा तो कैलकुलेटिंग मीडियन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटिंग मोड। डेटा फ्रेम डॉट मोड फंक्शन विल यूज टू डिस्प्ले द मोड ऑफ डेटा फ्रेम, इन डेटा फ्रेम का अगर आपको मोड फाइंड आउट करना है तो हम डेटा फ्रेम डॉट मोड फंक्शन को यूज में लेके किसी भी डेटा फ्रेम का मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। मोड इज डिफाइन एज द वैल्यू दैट अपीयर द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन डेटा, यानी आपके डेटा फ्रेम में मोड वो वैल्यू होगी जो एक से अधिक बार आपके डेटा फ्रेम में रिपीट हो रही है, आपके डेटा फ्रेम में एग्जिस्ट करती हो, वो वैल्यू क्या होगी हमेशा मोड होगी। तो मोड का मीनिंग क्या होगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डेटा फ्रेम इज नोन एज द मोड। टू कैलकुलेट द मोड ऑफ डेटा फ्रेम डॉट मोड फंक्शन इज यूज्ड। डेटा फ्रेम का मोड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट मोड फंक्शन को यूज में लेंगे, और मोड क्या होगा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, यानी उस कॉलम में जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो क्या होगी, उसका मोड होगी। तो पहले हमारे पास डेटा फ्रेम में डी एफ, उसके हम अप्लाई करते थे, हम लिखेंगे प्रिंट डी एफ डॉट मोड
यानी डीएफ डेटा फ्रेम हम क्या करते हैं यहाँ से मोड फाइंड आउट करते हैं। तो डीएफ डेटा फ्रेम का मोड हमारे पास क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉलम एसवीएम में हमारे पास मोड आ रहा है, यूनिट टेस्ट का आ रहा है 1.0, मैथ्स का आ रहा है 22.0, साइंस का आ रहा है 18, एसएसटी का आ रहा है 19, हिंदी का आ रहा है 24, इंग्लिश का आ रहा है हमारे पास 23। सेकेंड लिखा हुआ मिस्ट्री का जो मोड आ रहा है हमारे पास 2.0, मैथ्स का 23.0, साइंस का 19, एसएसटी का 20.0, हिंदी का एनएन आ रहा है और इंग्लिश का एनएन आ रहा है। ये एनएन वैल्यू क्यों आ रही है कोई बताना चाहेगा? ये एनएन वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि इन कॉलम में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो सबसे अधिक बार रिपीट हो रही है, नहीं हो सकता है कुछ ऐसी वैल्यूज है जो सेम टाइम या सेम नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो रही है रिपीट हो रही है। जब वैल्यू सेम नंबर ऑफ टाइम्स एक से अधिक वैल्यू सेम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है तो वहां पे क्या होगा आउटपुट में एनएन शो होगा। तो ये इस कंडीशन में क्या आ रहा है हमारे पास आउटपुट एनएन आ रहा है। तो ये हम लोगों ने अप्लाई कर दिया कंप्लीट डेटा फ्रेम पे मोड फंक्शन को अप्लाई कर। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में कहा जाए कि आपको हिंदी सब्जेक्ट के मार्क्स का मोड फाइंड आउट करना है, हिंदी सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स हैं उन मार्क्स का आपको क्या करना है डायरेक्ट मोड फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्ट इंडेक्स टेक्निक के थ्रू मोड फंक्शन फाइंड कर सकते हो या आप एक नई डेटा फ्रेम क्रिएट करके भी मोड फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे पहले तरीके से करते हैं, यहाँ से डेटा फ्रेम बनाता हूँ डीएफ हिंदी इक्वल टू डीएफ हिंदी, इंडेक्सिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं। यहाँ से मैंने एक डेटा फ्रेम बना ली थी डीएफ हिंदी के नाम से। अब डीएफ हिंदी डेटा फ्रेम को हम प्रिंट करवाते हैं, तो लिखा मैंने प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट डीएफ हिंदी डेटा फ्रेम को हम क्या करते हैं प्रिंट करवाते हैं। जैसे प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ओनली हिंदी सब्जेक्ट्स के मार्क्स अवेलेबल हैं। अब इनका हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है, तो हम डायरेक्ट प्रिंट अप्लाई करते हैं, प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट हम लिखते हैं डीएफ हिंदी डॉट मोड। यहाँ से क्या होगा हमें हिंदी सब्जेक्ट्स का मोड है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके जी, क्योंकि जो 24 है वो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, देखो 24 है वो 3 टाइम्स ऑफ रिपीट हो रहा है, 1, 2 एंड 3 सबसे ज्यादा 3 टाइम्स ऑफ रिपीट हो रहा है, तो इसका मोड क्या होगा 24 हो गया। कोई ऐसी कॉलम होगा अगर इसमें सभी वैल्यूज हैं वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती है तो उस कंडीशन में इसका आउटपुट क्या होता एनएन होता। ओके जी, तो ये था डेटा फ्रेम का मोड फाइंड आउट करना। इसी तरीके से अगर आप डेटा फ्रेम की रोज का मोड फाइंड आउट करना चाहो तो आपको पैरामीटर के रूप में एक्सिस इक्वल टू 1 पास करना है। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे प्रिंट डीएफ डॉट मोड इनसाइड द ब्रैकेट पैरामीटर लिखेंगे एक्सिस इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या होगा इस रो का हमारे पास मोड है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये तो डीएफ डॉट मोड फंक्शन को अप्लाई करना किसी भी डेटा फ्रेम का मोड कैलकुलेट करना। नेक्स्ट स्टडी करते हैं कैलकुलेटिंग क्वार्टाइल। क्वार्टाइल हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे और क्या होता है, तो डेटा फ्रेम डॉट क्वार्टाइल फंक्शन इज यूज टू गेट द क्वार्टाइल्स, यानी डेटा फ्रेम डॉट क्वार्टाइल फंक्शन को यूज में लेते हैं किसी भी डेटा फ्रेम के क्वार्टाइल को फाइंड आउट करने के लिए। क्वार्टाइल क्या होता है, इट विल आउटपुट द क्वार्टाइल ऑफ ईच कॉलम और रो ऑफ द डेटा फ्रेम इन 4 पार्ट्स। क्वार्टाइल होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्वार्टाइल इज 25%, फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो 25% होता है, यानी आपकी जो कंप्लीट डेटा फ्रेम है उसका 25% भाग होगा वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। सेकेंड क्वार्टाइल इज 50%, सेकेंड क्वार्टाइल होगा आपके डेटा फ्रेम का 50% पार्ट होगा यानी उसका मीडियन होगा। थर्ड क्वार्टाइल इज 75%, 75% का मतलब होगा आपके डेटा फ्रेम का 1/4 पार्ट होगा, और फोर्थ क्वार्टाइल होगा वो आपकी कंप्लीट डेटा फ्रेम होगी। तो क्वार्टाइल होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब 25%, 25% का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कंप्लीट डेटा फ्रेम है उसके 25% डेटा होंगे वो आपके फर्स्ट क्वार्टाइल में होंगे, यानी अगर आपके किसी भी डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ रोज का 25% होगा वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगा। 50% का मतलब होता है उसका मीडियन होगा यानी उसकी मिडिल वैल्यू होगी। थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है 75% होगा यानी आपकी कंप्लीट डेटा फ्रेम के डेटा का 1/4 पार्ट होगा, और फोर्थ क्वार्टाइल में आपकी कंप्लीट डेटा फ्रेम होगी। बाय डिफॉल्ट अगर हम क्वार्टाइल की वैल्यू को पुटअप नहीं करते हैं, यानी आप क्वार्टाइल डिफाइन नहीं करते हो कि आपको फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है कि सेकंड करना है कि थर्ड की फोर्थ, उस कंडीशन में क्या होगा बाय डिफॉल्ट इट विल डिस्प्ले द सेकंड क्वार्टाइल यानी मीन ऑफ ऑल न्यूमेरिक वैल्यू, यानी क्या करेगा वो आपका मीन फाइंड आउट करेगा सभी न्यूमेरिक वैल्यूज का।
एक्सिस इक्वल टू वन मोड में अप्लाई करना है, कर तो दिया ना हमने एक्सिस इक्वल टू वन मोड में, फिर से बताऊं क्या? ओके ओके, देखो डेटा फ्रेम में मोड अप्लाई करें तो हमें लिखा प्रिंट कंप्लीट डेटा फ्रेम है डीएफ, उस पर मोड अप्लाई करते हैं डीएफ डॉट मोड, पैरामीटर रूप में हमने लिखा एक्सिस इक्वल टू वन ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब क्या होगा, हमने किस पे अप्लाई कर दिया, रो पे अप्लाई कर दिया, जैसे हम लगाएंगे तो हमारे पास आउटपुट ये टेबल आएगी, फर्स्ट रो में हमारे पास में जो फर्स्ट रो का जो मोड आ रहा है 21, जीरो रो का हमें 21 आ रहा है, यानी उसमें 21 है, वो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स रो में ऐसी कोई भी वैल्यूज नहीं है जो एक से अधिक बार रिपीट हो रही है, उसी तरीके से फर्स्ट रो में रमन है वो थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो सेकंड रो हमारे पास रमन है, रमन में फर्स्ट रमन का जो फर्स्ट कॉलम है यूनिट टेस्ट उसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू 2.0 है, सेकंड कॉलम में 21.0 है, यानी जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू यानी जो सबसे एक से अधिक बार जो रिपीट हो रही है, जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है वो हमें आउटपुट मिस होगी, इस तरीके से होगा। कुछ ऐसे कॉलम भी है हमारे पास कुछ ऐसी रोज भी हैं जिसमें कोई भी वैल्यू जो है वो एक मोस्ट रिपीटेड वैल्यू नहीं है, यानी वो सबसे ज्यादा रिपीट नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में उसका आउटपुट क्या होगा, एनएन हो जाएगा। ओके, तो अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे क्वार्टाइल, तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वार्टाइल फोर होते हैं, पहला 25% होगा, दूसरा 50% होगा, तीसरा 75% होगा, चौथा 100% होगा। अगर आप क्वार्टाइल में अगर आप क्वार्टाइल डिफाइन नहीं करते हो, यानी आप डिफाइन नहीं करते हो कि आपको 25% कैलकुलेट करना है कि 50 करना है कि 75 करना है कि 100% कैलकुलेट करना है, उस कंडीशन में जो क्वार्टाइल फंक्शन होगा वो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 50% क्वार्टाइल यानी उसका मीडियन कैलकुलेट करेगा। तो हम अप्लाई करते हैं हमारे कंप्लीट डेटा फ्रेम डीएफ पे क्वार्टाइल, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं df dot quartile quartile quartile, और हम क्या करते हैं complete data frame पे quartile function को apply करते हैं, sorry print df dot quartile quartile complete data frame पे हम क्या करते हैं quartile function को apply करते हैं। I think there is something spelling mistake, print df dot quantile, that's right, yeah, quartile की spelling, quartile function हम लिखेंगे quantile, quantile function हम calculate करते हैं। तो हमने क्या क्या complete data frame पे इसको apply किया है, और हमने quartile function के bracket में हमने परसेंटेज डिफाइन नहीं किया कि हमें कितना कैलकुलेट करना है, कि 20 करना है कि 50 करना है, सॉरी 25 करना है कि 50 करना है कि 75 करना है, उस कंडीशन में क्या क्या बाई डिफॉल्ट क्या करेगा, उसका मीडियन फाइंड आउट कर देगा, यानी 50% क्वार्टाइल है उसको कैलकुलेट करेगा। तो यूनिट टेस्ट का 50% क्वार्टाइल है वो 2.0 है, मैथ्स का 20.5 आ रहा है, साइंस का 19.5 आ रहा है, एसएसटी का 20.0 आ रहा है, हिंदी का 22.5 आएगा और इंग्लिश का 21.5 आएगा। ये तो पहली कंडीशन थी जब हमने क्वार्टाइल की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया। सेकंड कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टाइल की वैल्यू डिफाइन करते हैं, 25% इसका क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिखा प्रिंट इनसाइड द ब्रैकेट df डॉट क्वार्टाइल यहाँ पे मैं वैल्यू डिफाइन कर देता हूँ जो इक्वल टू 0.25, यानी 25% का मीनिंग क्या होता है 0.25 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे क्या होगा, उसके हमारे पास क्या होगा, उसका फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट होगा दैट इज 25% होगा। यूटी की वैल्यू 1, मैथ्स की वैल्यू 16.50, साइंस की वैल्यू आएगी 18.0, एसएसटी की वैल्यू आ रही है 18.75, हिंदी की वैल्यू आ रही है 20.75 और इंग्लिश की वैल्यू आएगी 19.75। ये हमारा फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया। इसी तरीके से अगर हम उसका सेकंड क्वार्टाइल यानी 50% कैलकुलेट करेंगे तो 50% हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पे देखो ये जो डेटा फ्रेम है वो क्या होगा, इसका 50% है। अगर इसी तरीके से आपको उसका थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है तो हम डिफाइन कर देंगे क्यू इक्वल टू 0.75। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, हम लिखते हैं प्रिंट डीएफ डॉट क्वार्टाइल क्यू इक्वल टू 0.75। हम क्या करते हैं उसका 75% कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास थर्ड क्वार्टाइल हो गया। और फोर्थ क्वार्टाइल उसका 100% होता है, यानी फोर्थ क्वार्टाइल में क्या होती है, कंप्लीट डेटा फ्रेम ही होती है। तो ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट क्वार्टाइल,
सेकेंड क्वार्टल और थर्ड क्वार्टल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टल ऑफ ऑल सब्जेक्ट। इसने कहा है राइट द स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टल ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी हमें सभी सब्जेक्ट का फर्स्ट और थर्ड क्वार्टल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमारे पास कंप्लीट डेटा फ्रेम होगी, उस कंप्लीट डेटा फ्रेम में हमें सभी सब्जेक्ट का क्या करना है, क्वार्टल कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसका दोनों क्वार्टल को एक साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट डेटा फ्रेम ऑलरेडी है, डीएफ सभी सब्जेक्ट डाटा है उसमें। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, 25% और 75% क्वार्टल एक साथ में कैलकुलेट करते हैं। एक साथ में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया था, डीएफ क्यू इक्वल टू डीएफ, डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट df डॉट क्वार्टाइल इन साइड द ब्रैकेट हम पैरामीटर पास करवा देते हैं 0.25, 0.75। जस्ट वेट, ओके, लिखते हैं प्रिंट df डॉट क्वार्टाइल इनसाइड द ब्रैकेट हम पैरामीटर के रूप में पास करवाते हैं। पहला है हमारे पास q इक्वल टू 0.25 कॉमा q इक्वल टू 0.75। एंटर बटन प्रेस करेंगे, देयर इज समथिंग एरर, q इक्वल टू नहीं आएगा, जस्ट वेट, फिर से ट्राई करते हैं। इसको हटा देते हैं, q इक्वल टू, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करते हैं, एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, उस डेटा फ्रेम का फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल कैलकुलेट हो गया। 0.0, 0.25 की वैल्यू आ रही है, 1.0, 16.50, 18.0, 18.75, 20.75 और 19.75। इसी तरीके से 75% की वैल्यू आ रही है हमारे पास, 3.0, 22.25, 21.25, 22.50, 20.24.00 एंड लास्ट इज 23.00। तो ये हो गया हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स का क्वार्टाइल। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का स्टडी करेंगे, कुछ टॉपिक से मिल ही रहेंगे, पहला वेरिएंस, डेरिवेशन और एग्रीगेट फंक्शन, उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे सॉर्टिंग इन डेटा फ्रेम एंड आफ्टर दैट ग्रुप बाई फंक्शन और फिर अल्टरिंग द इंडेक्स, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे पाइवोट टेबल और पाइवोट डेटा को हम लोग क्या करेंगे स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही, किसी स्टूडेंट में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।